नमस्कार दोस्तों, मैं अपनीत कुमार उषा मेटल से, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और इस एग्री इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। जो भी अपने बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और मेटल्स का बिजनेस सीखना चाहते हैं, वो मुझे संपर्क करें, मैं उनकी पूरी हेल्प कर दूंगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, जो कैटलिक कन्वर्टर रिकवर होकर स्क्रैप यार्ड आता है, फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैंने इसमें बताया है। इस वीडियो में आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, कैटलिक कन्वर्टर सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। लैब रिपोर्ट भी सैंपल के तौर पर मैंने इसमें दे रखा है, आप वो उसमें देख सकते हो। और जो मैं सीरीज़ बनाया है मैंने, ये ऑल ओवर यूट्यूब पे आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने इसके 2-3 वीडियोज़ की और बनेंगी आगे। आपने अगर पूरी सीरीज़ देख ली तो आपका समझ लीजिए कि आप ये बिजनेस सेटअप अपने खुद से आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, कैटलिक कन्वर्टर का एक्सपोर्ट में बहुत स्कोप है, आप इसको कलेक्ट करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी मेजर्स कंट्रीज है जहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। USA में जाता है ये माल, दुबई जाता है, और भी कई कंट्रीज हैं वो भी ये माल खरीदती हैं। बस शर्त ये होता है कि आप क्वालिटी मेंटेन रखें। अगर आपका क्वालिटी मेंटेन नहीं किया हुआ है, या मिक्स करके या फ्रॉड करके आप बेच रहे हैं माल, मटेरियल चेंज करके, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका पैसा डूबना है। वहाँ पे जाके अगर आपका माल ख़राब निकलता है तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। जो लॉट आप बेच रहे हैं उस सैंपल का जो रिपोर्ट आपके पास है, लैब रिपोर्ट, अगर वही लैब रिपोर्ट अगर वहाँ जाके नहीं निकला तो आपका पक्का 100% पैसा आपका अटक जाएगा। तो इसका खास ख्याल रखें, ईमानदारी से काम करें, और ईमानदारी में बहुत पैसा है, बेईमानी में एक दो बार कर सकते हो आप और आपका पैसा भी अटक जाएगा। तो दोस्तों, आप साथ में बने रहें। आप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपके काम आ रही है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसके यहाँ पे ऐड में तो बहुत बल्क में आता है और बहुत टाइप के रहते हैं, एक टाइप का नहीं होता है। तो उसको पहचाने का एक ही तरीका होता है, इस पर एक लेबल लगा रहता है, उस लेबल पर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कैटलिक कन्वर्टर किस कंपनी का है। जितनी महंगी गाड़ी का कैटलिक कन्वर्टर होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें प्रीसियस मेटल अच्छी क्वालिटी का रिकवर होगा। जनरली इसमें काफ़ी टाइप के प्रीसियस मेटल रिकवर होते हैं, लेकिन जो प्लेटिनम हो गया, रोडियम, यही सबसे 3 इम्पॉर्टेंट मेटल्स होते हैं प्रीसियस, जो इसमें से रिकवर होते हैं। तो जब रिसीव हो जाता है, इसको 2-3 प्रकार से काटा जाता है। एक टॉर्च कटिंग हो गया, एक आप ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं इसका अपर लेयर काटने के लिए। अपर लेयर काटने के बाद इसका जो केस होता है, जो स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, तो इस टाइप से जैसे इसमें दिखा रहे हैं, इस टाइप का इसको काट लिया जाता है। पूरा ग्राइंडर से भी यूज़ करते हैं, टॉर्च कटिंग का भी यूज़ करके उसको काटते हैं। तो इस प्रकार से इसको रिकवर किया जाता है। जब ऊपर की लेयर कट जाती है, इसके अंदर एक लेयर और होती है। अब इस प्रकार से इसको काट के हनीकॉम रिकवर कर लिया जाता है। ये देखिए, ये काट दिया, इसमें दो निकले हैं हनीकॉम। इसमें पहले सिरेमिक की एक लेयर होती है, फिर उसके अंदर हनीकॉम होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये हनीकॉम ऊपर सिरेमिक की लेयर हटा दी है और ये हनीकॉम रिसीव हो गया है। तो बहुत टाइप के कैटलिक कन्वर्टर होते हैं और हजारों टाइप के आपके जित कैटलिक कन्वर्टर से अलग अलग तरीके से रिकवर किया जाता है सारा मटेरियल। और ये कटिंग, जिसको डीकिंग भी कहा जाता है, इस प्रोसेस में कैटलिक कन्वर्टर को जो बहुत बल्क में माल जिसके पास आता है, एक एक को नहीं काट सकते हैं, जल्दी काटना है क्योंकि माल भी बहुत जल्दी जल्दी आता है मार्केट से, तो वहाँ पर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है कटिंग के लिए। कटिंग करके सारा मटेरियल को इस तरह से रिकवर करके एक ड्रम में पैक करके मेटलर्जी के लिए आगे भेज दिया जाता है, मेटल्स की रिकवरी के लिए। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बस ये है कि अगर आप प्रॉपर सेटअप करके इस बिजनेस को करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इसमें दोस्तों, चीटिंग भी बहुत होता है। कई बार क्या होता है कि इसमें नकली हनीकॉम बना के भी लोग बेच, और इसका हनीकॉम बनाना कोई इतना हार्ड नहीं होता, कोई भी आपको बना के बेच सकता है। और जो नए लोग होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, पुराने ही फंसते हैं। और ये इसका रिकवर किया हुआ साइलेंसर का कैटलिक कन्वर्टर का मिट्टी है, जिसको हम हनीकॉम भी कहते हैं और सॉइल भी कहते हैं, देसी बाजरा में इसको मिट्टी कहा जाता है। ये इस प्रकार से हनीकॉम होता है। इसमें जो नॉर्मली हमारे बाइक्स में निकल रहा है, हमारी कार में निकल रहा है, डीजल है कि पेट्रोल है, इसमें काफ़ी अंतर होता है। डीजल का जो कैटलिक कन्वर्टर में जो हनीकॉम होता है, वो कम उसमें प्रीसियस मेटल होते हैं, पेट्रोल में ज़्यादा होता है। पेट्रोल के हनीकॉम में जैसे ये वाला हनीकॉम है, ये ब्लैक, इसका रेट बहुत कम है क्योंकि इसकी क्वालिटी डाउन है। और जो वाइट रहता है, ग्रे टाइप का रहता है, उसका हनीकॉम का रेट बहुत अच्छा मार्केट में होता है। आप हनीकॉम अगर आपको बेचना है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको निकालें नहीं, आप उसको एज इट इज़ कन्वर्टर में डले रहने, ताकि पता रहे उसमें एक मॉडल नंबर रहता है, ताकि पता रहे कि ये किस टाइप का और किस मॉडल का, ये किस कार की मॉडल का ये कैटलिक कन्वर्टर है। जो लोग मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर मार्केट में बेचने जाते हैं, लैब रिपोर्ट भी नहीं होता, तो लोग उसका ख़रीदते नहीं हैं, फिर उसका हट
उसका सैम्पलिंग करानी पड़ती है, तो लोग इसमें ज़्यादातर इस तरह से नहीं खरीदते हैं। जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, लोग सोचते हैं कि हम इसको साइलेंसर से निकाल लेंगे फिर इसको बेचेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। अगर आपकी जान पहचान के लोग होंगे तो ही, जैसे आपका पूरा नेटवर्क है उसमें आप काम करते हैं तो आपको जान पहचान है तो आपका आराम से बिक जाएगा, लेकिन कोई नया बंदा ऐसे निकाल के लेके आएगा तो लोग नहीं खरीदते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, आप एज ए साइलेंसर के अंदर डाला रहने दें और उसको एज इट इज़ बेच दें ताकि सामने वाला खुद उसको समझ जाए। और दोस्तों, जब इस प्रकार से पूरा एक रिकवर हो जाता है तो रिकवर करने के बाद इसका जब बेचना होता है तो सामने वाला आपसे बोलता है कि मुझे लैब रिपोर्ट चाहिए कि ये मटेरियल में क्या क्या कंटेंट है, एलिमेंट कंटेंट है। तो एलिमेंट कंटेंट के लिए आपको सबसे पहले इसमें XRF मशीन आती है जो पोर्टेबल होती है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस मशीन के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें किस किस टाइप का एलिमेंट है। इसमें आपका, आप जैसे उस पर लगाएंगे तो जो भी मटेरियल है उसके सामने जब रखेंगे तो XRF मशीन में इसका एक्सरे निकलती है, उसके थ्रू इसमें एलिमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इसमें कितना प्लेटिनम है, रोडियम है और प्लेटिनियम है। तो इसमें ये जो XRF मशीन है ये मार्केट में 2 लाख से लेके 25 लाख तक की आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जर्मन मेड खरीदें, क्योंकि इंडिया की लोकल मेड आ रही हैं उसमें प्रॉपर वे में रिकवरी नहीं हो पाती एलिमेंट्स की। जो उसमें शो करता है वो 5% अप डाउन करता है, और उसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रॉपर वे में इसमें एनालिसिस नहीं हो पाएगा तो आपको सही पैसा नहीं मिल पाएगा। क्या पता आपके में प्लेटिनम ज़्यादा हो, रोडियम ज़्यादा हो, हाई कंटेंट सबसे ज़्यादा किस प्रीसियस मेटल का, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है इस बिज़नेस में। तो दोस्तों, सैंपल इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको XRF मशीन पे इस तरीके से रखा जाता है। ये सैंपल ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से रख दिया जाता है और फिर स्क्रीन पे पूरी डिटेल आ जाती है कि इसमें कितना प्लेटिनम है, रोडियम है, टाइटेनियम, सब जितना भी मेटल्स के अंदर रिकवर हो रहा है वो आ जाता है। देखिए, इस तरीके से स्क्रीन पे आता है पूरा। आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके भी दे सकते हैं। ये एलिमेंट जो दिखा रहे हैं एक्चुअल इमेज है जो इस पर दिखा रहे हैं मशीन में, और ये लैपटॉप पे जो दिखा रहा है वो एलिमेंट देख लीजिए कितना प्रेजेंट में सैंपल में है और कितनी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। दूसरा तरीका एक्सपेक्ट्रोमीटर का लैब रिपोर्ट आपके सामने ये आ गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर टेस्ट में कि रोडियम, प्लेटिनम, और भी जो भी मेटल्स हैं, जिंक, आयरन, सारी इसमें आपको शो कर कितने एलिमेंट की क्या क्वांटिटी है, इसमें पूरी परसेंटेज आ गया होगा। आप इसमें आराम से इसको स्टॉप करके देखिए, क्योंकि अभी तक आपको पूरे YouTube चैनल पे किसी ने भी ये चीज़ नहीं दिखाई होगी। अगर आपको दिखाई होगी तो मुझे लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। और ये करंट उसके रेट हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेटिनम और रोडियम के जो मार्केट में चल रहे हैं। USD में ज़्यादा बिकता है क्योंकि ये इंडिया में इतना जल्दी, ये इंडिया में कम बिकता है। ये जहाँ प्रोसेस होता है वहाँ से रेट आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। कोई भी फैक्ट्री में आप डायरेक्ट सेल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रेट मिलेंगे। तो दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे PGM कंटेंट क्या होता है। PGM का मतलब होता है प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स। प्लेटिनम का जो पूरा ग्रुप है जिसमें प्लेटिनम, प्लेटिनम और रोडियम, इसको कहा जाता है प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स। तो और सामने दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत टाइप के कैटलिक कन्वर्टर यहाँ पे पड़े हुए हैं, बहुत टाइप के। हर कैटलिक कन्वर्टर में अलग अलग रिकवर होता है। दोस्तों, बताने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो को। मैं अगर सारी चीज़ बताऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे की हो जाएगी। तो मैंने शॉर्ट में सारा चीज़ बता दिया है, तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको डिसमेंटलिंग के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग क्लासेस लेना चाहते हैं और डोमेस्टिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें पूरी हेल्प कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, आप वहाँ जाके मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी। आप जैसे आप मुझे कॉल ना करें, आप सीधा मुझे व्हाट्सएप पे डाल दें और फिर जब हम डिस्कस कर लेंगे फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यूट्यूबर ही नहीं, साथ में अपना खुद का मेरा बिजनेस है, वो भी मुझे देखना पड़ता है। मैं रेगुलर कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो आप वर्किंग आवर से मुझे फ़ोन कर सकते हैं या शाम को 4 से 6 के बीच में फ़ोन कर लीजिए। मैं आपका कॉल अटेंड करके आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं वो क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों, प्लीज़ इस खास ख्याल रखें कि आप रात को 8 बजे तक मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं उसमें वर्किंग आवर में नहीं होता हूँ, उस टाइम मैं अपने घर पर होता हूँ तो मुझे और भी काम होते हैं। तो आप रात को फ़ोन ना करें, सुबह से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कभी आप फ़ोन लगा सकते। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, कोई कमी है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और ईमेल पे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।